जय माँ विंध्यवासिनी, नमो नमः। मित्रों, वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बगलामुखी मंत्र के द्वारा रक्षा करने की विधि आपको बता रहे हैं। पहला कार्य है कि माँ बगलामुखी को, मैं बगलाम्बा को प्रणाम कर लो। मध्ये सुदाभिमणिमण्डपरत्न वेद्यां सिंहासनो परिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गिं देवीं भजामि धृतमोद्गरवैरिजिह्वां जिह्वाग्रपादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। मां बगलाम्बा दिव्यै नमो नमः। मां बगलाम्बा का जो पाठ है, इनके कई मंत्र हैं। जैसे कहा जाता है, आप ह्रिंग शब्द भी लगा सकते हैं और ह्लिंग शब्द भी लगा सकते हैं। वैसे तो ह्रिंग शब्द भी लगाते हैं, ल भी है, र भी है और ई का मंत्रा भी है। यह अपने कार्य के अनुसार हम इनमें प्रयोग करते हैं। बगलामुखी का हम पाठ ज्यादा से ज्यादा सहस्रनाम का पाठ करते हैं और सहस्रनाम के पाठ से सद्य ही किसी भी व्यक्ति के कार्य की सिद्धि होती है। सहस्रनाम का पाठ यानी कि माँ बगलामुखी के सहस्रनामों के द्वारा उनकी पूरी शक्तियों को हम आमंत्रित करते हैं, आवाहन करते हैं और वह जिन कार्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं वह कार्य हमारी सद्य पूर्ति होती है। बगलामुखी का विशेष प्रयोग लोग कोर्ट कचहरी या बिना वजह कोई कार्य नहीं किए हैं फिर भी लोगों ने फंसा दिया है, ऐसे कार्यों के लिए, आपकी प्रॉपर्टी है, किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, ऐसे कार्यों के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ये शारदीय नवरात्रि है, आप इसमें चाहें तो अपने लिए पंडित जी को नियुक्त करके बगलामुखी सहस्रनाम का पाठ प्रतिदिन करा सकते हैं, या आप चाहें तो स्वतः माँ बगलाम्बा का सहस्रनाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो 108 नाम का पाठ करें, उससे भी आपको राहत मिलेगी, उससे भी अच्छे कार्य सिद्ध होंगे, और अन्यथा आप बगलामुखी मंत्र का जप करें। मंत्र के लिए हमारी वेबसाइट्स पे पूरा मंत्र उपलब्ध है, www.vaidikrishi.in। इसमें यह वेबसाइट्स हमारी है, यहाँ पे आप मंत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी आप अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम मंत्र भी दिए हुए हैं, आप प्रार्थना भी कर सकते हैं और बगलामुखी के नाम पे बहुत से महत्वपूर्ण पुस्तकें बाजार में उपलब्ध भी हैं, आप उनसे भी, उन पुस्तकों को लेकर के उनसे भी पाठ का अभ्यास करके अपने पंडित जी से और आप पाठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बगलामुखी के पाठ करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप जिस देवी देवताओं का सहस्र नाम का पाठ करते हैं वह सभी आपके लिए पहले देव शक्ति आपको प्राप्त होती है और सद्य ही कार्य की सिद्धि होती है, इसलिए सहस्र नाम का पाठ किया जाता है। जैसे बगलामुखी सहस्र नाम का पाठ है, वैसे सरस्वती सहस्र नाम का पाठ है, वैसे दुर्गा सहस्र नाम का पाठ है, आप सबने ज्यादा से ज्यादा विष्णु सहस्र नाम या शिव सहस्र नाम को लोगों ने ज्यादा सुना है, दुर्गा सहस्रनाम भी है, गंगा सहस्रनाम है, गणेश सहस्रनाम है, आप इनके किसी का भी पाठ करके और जिन देवताओं को आपकी आवश्यक माने जिनको जिनसे आपको लगता है कि मेरा कार्य सिद्ध होगा, ऐसे देवताओं को आप प्रणाम करके ये पाठ प्रारंभ करें। बगलामुखी के कुछ विशेष मंत्रों को मैं आपके सामने उच्चारण कर रहा हूं। जैसे आपको धनेश्वर की प्राप्ति होना है, धन नहीं है,
ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियं देहि देहि स्वाहा। दूसरा मंत्र है जिसमें आप शत्रुओं के नासार्थ प्रयोग कर सकते हैं। ओम ह्लिंग बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचम मुखम अस्तंभय जिह्वां कीलय कीलय बुद्धिम नाशय ह्लिंग ओम स्वाहा। यह मात्र 34 अक्षर का मंत्र है, परंतु बगलामुखी के जो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का प्रयोग होता है उसे हम एक बोल रहे हैं, वह ध्यान दें। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम पदम अस्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। यह ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं लोग, इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे माँ बगलाम्बा का बहुत मंत्र है, आप इसका प्रयोग करें और सद्य ही लाभ की प्राप्ति करें। अगर आप बगलाम्बा का कोई भी स्तुति या प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान दें, केवल मात्र उनकी शरणागति हल्दी के माला से ओम ह्रीं बगलामुख्यै नमः बोल करके ये मंत्र जपें और प्रार्थना उनकी शरणागति प्राप्त करें। ह्रीं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, यह करके प्रणाम करें। इससे भी आपको ध्यान रखें कि जब भी बगलामुखी का मंत्र जपें या पाठ करें तो पीला आसन, पीला वस्त्र यानी परिधान पहने, पीले चंदन की तिलक करें और पीले हल्दी की माला पे, हल्दी की गांठ की माला हो या तो पीला आपको हकीक की माला हो, इन मालाओं के ऊपर ही आप माँ बगलाम्बा का मंत्र का जप करें। ध्यान दें, विशेषतः या तो उत्तर दिशा में आपका मुख हो या तो पूर्व दिशा में मुख हो। जय श्री राम।